कल तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं। यहां वो पुलिस के आला अफसरों के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके आगमन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा में दोषी मंत्री व उनके बेटे पर उचित कार्यवाही करने की मांग करी है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लखीमपुर हिंसा में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि आपको जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ में कहा कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने तीन काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली DGP कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दोषी मंत्री के साथ मंच साझा कर रहे हैं, जबकि लखीमपुर किसान नरसंहार मामले की जांच में हालिया स्थिति उस परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज आप अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइएगा, उनको बर्खास्त कर दीजिएगा। इसके साथ ही किसानों के लिए उन्होंने कहा कि देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए, साथ ही इस आंदोलन में सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।